नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल फन ब्लॉग पिंटू पे। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और मेरा आपका फेसबुक में मेरा पेज है फन ब्लॉग पिंटू पे। तो आज जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं अभी खड़गपुर IIT के ओवरब्रिज के ऊपर में खड़ा हूँ। तो यहाँ आगे में चौक के पास पुलिस प्रशासन खड़ी रहती है, सामने में CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ पर रॉन्ग डिसीजन में गाड़ी किस तरीके से चलती है आप देखिए। ये देखिए, आप पीछे में देख पा रहे होंगे रॉन्ग कटिंग, ये डिसीजन सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं दोस्तों। इस एक्सीडेंट का कोई सीमा नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि पुलिस प्रशासन के डर के लिए कर रहे हैं पब्लिक, या अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो भी डिसीजन है ये पूरा गलत है दोस्तों। इससे कई प्रकार के एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, जिससे हम सभी लोग घायल हो सकते हैं। क्योंकि आपको मैं सामने का व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों किस तरीके से रॉन्ग टर्न हो रहे हैं। ये IIT के ओवरब्रिज जो उतर रहा है पूरी गेट के ऊपर से, ये पूरा देखा जाता है एक तरफ से ढाल है दोस्तों। गाड़ी की स्पीड यहाँ ऐसे भी स्लो रहता है, आप देख ही पा रहे हैं। उसके बावजूद पब्लिक वहाँ से उतर के सामने तरफ पुलिस प्रशासन खड़ी रहती है करके यहाँ रॉन्ग साइड डायरेक्शन लेके देखिए वो अपना दिशा बदलते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों एकदम ही गलत है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ताकि ये चीज़ का व्यवस्था सही हो सके, नहीं तो अन्यथा किसी दिन यहाँ वैसे भी बहुत ही ज़्यादा थ्रू रोड होने के कारण बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, और ये एक्सीडेंट काफ़ी हद तक बढ़ सकती है दोस्तों। इसका शिकार आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। देखिए, रॉन्ग डिसीजन में गाड़ी कैसे टोटो भी मूव किया, अरे बाइक वाला भी। और यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं CCTV कैमरा लगा है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ ये वाला वीडियो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये पुलिस प्रशासन तक जाना चाहिए वीडियो, क्योंकि इससे सारे लोगों का सेफ्टी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। कोई अपना निजी स्वार्थ के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन तक बात नहीं जाएगी तो ये चीज़ काफ़ी गलत दिशा में जा रही है दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपको अक्सर सुनने में आएगा दोस्तों कि यहाँ ओवरब्रिज के ऊपर में आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लड़के यहाँ थ्रो में गाड़ी भगाते हैं दोस्तों। हम सामने वाला सही है, लेकिन सामने वाला इस स्पीड में आता है कि हमको भी समझ में नहीं आता है कि हम इधर जाए कि उधर जाए, ले दे के आदमी एक दूसरे से टकरा के खत्म गाड़ी में। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों, प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करिए। रॉन्ग साइड है, क्या बोले दोस्तों, पब्लिक जानबूझ के ये चीज़ करती है, समझ में नहीं आता दोस्तों। बोला जाए तो बोले क्या, ये पुलिस प्रशासन के डर के वजह से पब्लिक कर रही है कि अपना शॉर्टकट के लिए सुविधा के लिए कर रही है। ये एक दो रास्ता है दोस्तों, अचानक किसी को भी ब्रेक मारने में यहाँ तकलीफ हो सकता है। देखिए देखिए, फिर एक गाड़ी, कुछ ही क्षण में आप गाड़ियों का लाइन देख पा रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये प्रशासन तक जा पाए ये वीडियो, और हो सके किसी लोग का भला हो पाए, एक्सीडेंट के माध्यम से बच पाए। देखिए पीछे से जो बाइक आ रही है वो भी उसी माध्यम से रॉन्ग टर्न लेके आई है दोस्तों। ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये पूरा थ्रो रोड है दोस्तों, एकदम ही गलत है। आप देखिए, ये देखिए लेडीज़ रॉन्ग डिसीजन में गाड़ी मूव कर रही है। देखिए आप ही बताइए दोस्तों, ये थ्रो रोड में इस तरीके से अगर कारनामे होते रहेंगे तो एक्सीडेंट होने का बहुत ही ज़्यादा संभावना रहता है। लोग ये नहीं समझते हैं कि हम घर से बोल के आ रहे हैं कि हम अभी आ रहे हैं, शायद कभी नहीं आए। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये पुलिस प्रशासन तक जा पाए और पुलिस प्रशासन इस चीज़ का कुछ उपाय निकाल पाए, जिससे कुछ लोगों का जान बच पाए। धन्यवाद।